हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरीके से अपने वाईफाई के पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। समटाइम्स हम अपने वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हैं जो हमने कनेक्शन बनाते वक्त यूज किया था, तो उसको रिकवर करने का क्या तरीका है। आपको सिंपल इसके दो तरीके डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो उसका पहला तरीका है कि आप विंडोज प्लस आर की को एक साथ प्रेस करेंगे और ncpa.cpl टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से, प्रेस करेंगे ओके। यहां पर आपके वाईफाई का नाम ओपन होगा कनेक्शन का, उस पर डबल क्लिक करेंगे। यहां पे आपको वायरलेस प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, यहां पे आपको आप सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। आप देखेंगे आपका पासवर्ड यहां पे विजिबल हो जाएगा जो अभी इनक्रिप्टेड है। जैसे आप शो कैरेक्टर में क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। तो ये एक इसका पहला तरीका है। वाईफाई पासवर्ड चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, आइए इसको भी देखते हैं। तो आपको अपने विंडोज सर्च बॉक्स में क्लिक करना है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल टाइप करना है। आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन आपको मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेटवर्क एंड शेयरिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको आपका वाईफाई यहाँ पर दिखने लग जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सेम तरीके से आपका वायरलेस प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको सिक्योरिटी में क्लिक करना है और आप देखेंगे आपका पासवर्ड वापस से विजिबल हो गया। आपको शो कैरेक्टर में क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड यहाँ से दिख जाएगा। तो ये आपका वाईफाई का पासवर्ड चेक करने का दूसरा तरीका है। तो इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग।